Welcome back to part 3 of Toilet Ek Prem Katha. All right, we love doing this with you. Let's go. पूरी बात तो बता, हुआ का? अरे का कहें अम्मा, मुसीबत पड़ गयो है। हमसे पहले जंगलों में पहुंचे होते हैं मरे, लाइट और कैमरा लेकर। ऐसी शूटिंग करे हैं जैसे हम नित्य क्रिया नहीं रासलीला करे हैं। सारा कसूर केशव और केशव की बहू का है। ए लक्ष्मी, अब इस बेचारी ने क्या किया? Leave Malika alone. ये सब तेरी गलती है केशव, और ला पढ़ी लिखी। ए तुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए, हमारी वजह से मॉडल बन गई है इस उम्र में। अब टीवी पे कर लो थोड़ा अंग प्रदर्शन। Wow. कोई बात नहीं पंडित जी, इसे तो औरतों की इज्जत करनी आती ना है। इस देश की औरतों को अपनी इज्जत खुद ही करनी ना आवे, वरना हर सुबह खुले में नंगा होने से खुद एतराज करती। That's right. He's a changed man. केशव ने अर्जी डालो है कि गांव के बाहर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए। अब आप में से जिसको मंजूर है इस कागज के ऊपर चाहे वो साइन करे या अंगूठा लगाए। Make a case. सरपंच जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ कि एक पब्लिक टॉयलेट के लिए पंचायत अर्जी डाल दे सरकार को, बस। पुश्तैनी गांव है, अब जब पुरखों ने घर के अंदर शौचालय नहीं बनवाए तो हम क्या भगवान भय है? I could not imagine not having one in my home. Yeah. Move mountains. ऊपर सरकार का सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। बाथू साहब से मिल लो। ए एलाय, क्या उल्टा पाठ पढ़ा रहा है छोरे को? देश की सभ्यता को मत ललकार लौंडे। Watch me. दशस्थान प्रतिजय मूत्रम कुर्य, जलाशय शतस्थान परिशार्थ। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, घर से दूर जाके ही शौच करना चाहिए। इस श्लोक को पूरा कौन करेगा सरपंच? अगला पन्ना चिपक गयो का थूक से। Educate me. धरा सोचना कुर्विता, सोचा शुद्ध महापस्ता, चुल्ले कर्तव्य हस्ता शुद्धि विद्धांता। ये भी लिखा है कि किसी नदी या पानी के आसपास शौच नहीं करना चाहिए, काम होने के बाद हाथों की शुद्धि करनी चाहिए। किसी को संस्कृत ना आती हो तो कुछ भी बोल के निकल जाओगे। और एक और बात याद रखना, अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। Man on a mission, let's go. जे देखो कब क्या हो गया, क्या हाल हो रखा है देश का। जे देखो, केशव को जे भी ना पता कि किससे लड़ने जा रहा है। 3,000 crore का स्कैम। जे देखो कांड, पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू। सुनो, अगर टॉयलेट जाओ तो कुंडा लगा लेना। And wash your hands. Yeah, important. जी केशव फ्रॉम मंदगांव। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम हो केशव? हाँ जी बिल्कुल, पेपर में पढ़ा था जी। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो गरीबों का पैसा आप लोग खाते हैं उसे निकालते कहाँ हैं? Right to the point. तो जनता जागरण हो रहा है। चलो इतने सालों बाद ही सही, कोई तो आया हिसाब मांगने। हमसे क्या चाहिए? टॉयलेट चाहिए जी, जिसका वादा सरकार ने किया था। ये समझ लो कि जी आपको तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही एक्सपोज हो जाओ। है एक्सपोज वालों, गौर से देखो भाई। Yeah, those guys are scary. ये है नाई की दुकान, ये है घोड़े का अस्तबल, और ये दर्जी की दुकान। तो इससे क्या साबित होता है? ये सारे सरकारी टॉयलेट हैं जो आप लोगों ने अपने काम में। What? तो मतलब पुराने घरों में शौचालय की व्यवस्था कभी थी ना? सरकार ने प्रबंध तो किया, लेकिन टॉयलेट से संबंध जोड़ना तो आप लोगों का काम है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको उम्मीद नहीं है? PIL समझते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL दर्ज करो पंचायत के खिलाफ कि गांव में सरकारी टॉयलेट चाहिए। That's a lot of work for a public toilet. Yeah. Not that his brother's with him every step of the way. Teamwork makes the dream work. Yes. What? ये रंगीली गली में निकला था। ये नाई की दुकान, ये दर्जी की दुकान, ये गौशाला। Are they going to show that there is no public toilet? Yeah. Preparation. Got to give the lawyer everything he needs. काम हो जाएगा। Nice. मैं सरकार से सैंक्शन लेकर शौचालय बनवा दूंगा मन गांव में। Nice. यहां से कुल 11 महीने मान के चलो। A long time. ये मतलब साल भर ही हो गया। सरकार है भैया, बिना टॉयलेट तो रह लेंगे, लेकिन एक साल बिना बीवी। विलन कौन है याद रखना केशव। द विलेज। स्वाहा।
पंडितों का घर है ना पंडित जी, शुभ कार्य के पहले हवन तो करना पड़ेगा। ये कौन सा शुभ काम उठा लियो रे बालक? भूमि पूजन है दादी, घर में शौचालय बन रहे हो। कर ले मनमानी, आज से निवाला न उतरे को करे। बढ़िया, पुलिंग दिस कार्ड। राधे राधे। Well, we did call this earlier. We said he was going to build a toilet. Yeah. Like, I'm not waiting 11 months. Heck no. I make my own luck. Oh, wish we knew what that said. I know. Let us know in the comments. I was about to say, I'm sure they're going to take care of us in the comments. What did that specific text message say? How much longer? What's the status? How's it going? Yeah. Because the subtitles did not fill us in, unfortunately. I was going to say, everyone's going to want to come here soon. You're going to be the most popular place in town. And they're going to be like, can you build me one too? New business. I was going to say, yeah, you won't have to build bicycles. Look how nice that is. And it's not inside the house. You know? He's respecting the religion. Yeah. I'm so angry right now. You do get loopy when you're hungry. They locked him in? Good thing I know parkour. Oh my gosh. Action shot. Oh. This is ridiculous. Boom. Not in Akshay's house. Oh, I hope he doesn't get hit by one of the... Oh, gosh. Although, I don't think his dad cares about him right now in any way. बेटों का ब्याह ना होगा इस गांव में, क्योंकि कोई ना देगा अपनी बेटियां, कुहारे मरेंगे सब के सब। This is a powerful speech. हाँ जी, अब तो सब करके देख लिया। Go live with her family. I was just thinking that. ना केशव, आज के बाद मुझे फोन ना करना। Wow. और अगर तुम्हें लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी मजाक ना करें। एक आइडिया है मेरे पास। Oh wow. ये देखिए सरपंच जी, क्या छपा है? कांड हो गया गांव में। शौचालय के लिए तलाक, ग्रहण लग गया गांव। वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी ठीक ना होवे। कहीं के ना रहे केशव भैया, जाएंगे कहां? अब गांव में तो ना रह पाएगा। तलाक तो 1700 सालों में नहीं हुआ हमारे गांव। 1700 या सर, ये वही लड़का है ना जो उस दिन आपके पास आया था? ये वो केशव है जिसने महाभारत करवाया। रिस्पेक्ट। जया, क्या वाकई एक टॉयलेट की वजह से अपने पति को तलाक दे रही है? अब सुबह से यहाँ हूँ, बाथरूम ना गए? एक रात यहाँ रुकी, सुबह खुले में लोटा पार्टी के साथ जाइए, सांप बिच्छू अनेक जानवरों के बीच बैठी, तब समझ आएगी आपको हमारी प्रॉब्लम। तो केशव, क्या आप भी सरकार को दोषी मानते हैं? देखो जी, नंबर वन के दोषी तो हम ही हैं। अकाउंटेबल। केशव, आपने तो घर में टॉयलेट बनवाया हुआ था, वो किसने तोड़ दिया? My dad. ये मर्दों को चौड़े में करने में मर्दानगी लगे, ऐसे ही किसी छोटी सोच वाले मर्दों ने तोड़ दिया। तो आप वैसे हमारे बाबूजी ने और अगर ये लड़ाई नहीं जीते तो आप अपनी बीवी को खो भी सकते हैं केशव। बहुत सिंपल है ना मैडम, बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। And so we rise. Amen. सबसे बड़ा दोषी किसे मानती है, सरकार को या संस्कृति को? उन औरतों को जो कल सुबह फिर लोटा लेके निकलने वाली है। Take a stand. Yeah. Do you guys tired of waking up at the crack of dawn to go to the bathroom every day? Don't suffer. Ek baat batao pandit. Neki filmein dekhte ho? Aate raate. Aapke sanskar aapki beti mein dikhte. So to hai. Jhoot ke sare is ghar mein rehne ko sanskar. Based on love. The thumb. Ghar mein shauchalay nahi banne denge. Pure desh ko sandas bana kar rakh diya hai. अरे वक्त के साथ थोड़ा बदलो। Seriously, adapt. And remember, if you change nothing, nothing will change. राधे राधे। Mic drop. ना सरकार हिली, ना फाइल हिली। Oh no, you rattled their cages for sure. Absolutely. मेरे तलाक का आइडिया फेल हो गया। You started the conversation. Sorry.
तुम्हारी बीवी ना बन पाई। बीवी तो तुम उसी दिन बन गई थी जब इतने बवाल के बाद भी बाबूजी की थाली लगाई, या आज जब देश में कुछ बदलने के लिए मुझे भी छोड़ने को तैयार हो। That's respect. बखेड़ा हो जाए तो पत्नी छोड़ ही देवे आजकल। वैसे ना हस्बैंड प्यार बहुत करे था उसका, एड़ी चोटी का जोर लगा दियो। अब बेचारी को खुले में जाने की आदत ना थी तो क्या करती, तो अब बैठेगी मायके के संडास में शान से। और हम Well, it takes us one. जी अगर हमने मांग लिया होता तो क्या होता? ये जया का भूत मेरे सामने लेके मत आइयो। रोटी ना बनाई मतलब? खाना खा लिया तो जाना पड़ेगो। We're going on strike. That's right. Clang 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 clang. The divorce rate is going to go up in this village. Yep. No. Not grandma. Oh. Oof. क्या हो गया? हड्डी टूट गई लगता है। और तुम फिर कैसे पड़ी? और किसी ने तेल गिरा दिया होगा। I think it's something else. Mm-hmm. मैं नहीं जा पाऊंगी खेत तक। You did this to me. और रुका भी नहीं जा रहा है। इसी में जाऊं? Yeah. He's looking at the toilet. It's the plane of existence. Does it flush right now, though? I mean, they had it completed, so yeah. They only like messed up the wall. Is that seemed like, right? The thing it goes into, or like what? Like, what have I done? Oh, yep. I'm unclean. Nice. वर्मा जी सर, क्या ये सब? पार्लियामेंट से गांव में टॉयलेट पहुंचने तक कम से कम 7 दफ्तरों से गुजरती है सर फाइल्स। समझ गया। Oh my gosh. आज एक काम करो, 7 ताले लो और उन दफ्तरों के टॉयलेट बंद करवा दो जहां से ये फाइलें निकलती हैं। Wow. You shall know how it feels. जया जोशी ने 15 फरवरी को अपने पति का घर छोड़ा। तलाक तो 1700 सालों में ना हुआ हमारे गांव में। किशन जी अगर राधा जी के पास चले गए तो क्या रुक्मणी ने तलाक दे दियो? ऐसी फजीती नहीं खोलनी चाहिए। सही कहा, जब कहीं लिखा ही नहीं है कि शौचालय का प्रयोग करना चाहिए तो काहे का बकते। They didn't exist back then. I was going to say there were no toilets back then. Adapt to the times. And there was land. Adapt to the times. राधे राधे। नमस्ते। इतने लोग तो शादी में ना आए जितने तलाक में आ गए। शादी का तो वीडियो भी ना देखे आज तक, तलाक का तो लाइव टेलीकास्ट होगा नेशनल टीवी पे। जया एंड केशव, आप दोनों अपने फैसले पर अटल हो? शौचालय नहीं तो शादी नहीं जी। Halt that decision, your honor. सीएम कहां से आया है? You have a toilet. Many toilets. ये कोर्ट जया और केशव के तलाक की अर्जी को नामंजूर करता है। सरकार ने केशव के गांव में टॉयलेट बनाने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। अरे मुबारक हो भैया, जो फाइल 12 महीनों में ना चली वो 12 मिनटों में चल पड़ी। अब क्या हुआ केशव? अब तो जुगाड़ भी लगा लिया और पहाड़ भी हिला लिया। जया मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा पर्सनल टॉयलेट बना के दूंगा। नॉट अ पब्लिक वन। पर्सनल ना, पर टॉयलेट तो है ना, मैं खुश हूँ। मैं बाबूजी की सोच भी तो नहीं बदल पाऊंगा। Oh, मैं तुम्हें उस घर में नहीं लेके जा सकता बस। अरे केशव, कूड़ मगज बहू, ये सब रहने दे। ये नकली ढकोसले, नकली अंगूठा, झूठी लाश शर्म, ये सब कुछ छोड़कर। Oh, he's changed. अबे बीमार है क्या? लग रहा है बीमार नहीं हूं बेटा, अब ठीक हो गया। I've seen the light. पर्दा सोच से हटाकर सोच पे लगाने का टाइम आ गया है। Yay! Many toilets for the village now. Yep. Oh, but okay. Mr. Shigamaru and Mrs. Anita Nai. Oh, and I like that the real actress took the picture with the real one. Oh.
inspiring. That's that's what you're talking about. In case you do end up watching that film. Oh, I've heard about this. Yes. It's a phenomenal film. Also true, right? Oh, yes. So. I believe it was a true story as well. And like, there was just so many similarities in terms of Akshay Kumar, like doing whatever it took in terms of for his wife to make her as comfortable as possible and just making sure like that she was safe and all that. So it's just very inspiring. And I love characters like that. I can relate to them. And like, you know, a man should want to take care of his wife and make sure that she's in a position of like, I mean, it's a basic need. Basic. Going to the bath. And again, like all respect to religions and all that. But I mean, when those things were written, they didn't have toilets. Yeah, they didn't have toilets. And, you know, it's not about disrespect or anything. It's just adapting to the times. Mm-hmm. And, you know, there was nothing malicious or ill content with what Akshay Kumar and his wife were trying to do. They were trying to be as respectful as possible. It's just, again, adapting to times. Mm-hmm. And I understand the hesitancy that some of the older people had for this. It was very inspiring, very empowering. I love that. I love empowering things when it's not forced and shoved down your throat, when it's organic. And I mean that whatever it is. Mm-hmm. And I thought this was just beautifully told. And I love the performances by both Akshay Kumar and the actors who played Jaya. Bhumi. I mean, you guys know me better than I know myself. I don't know what else I've seen her in. She's OG. Yeah, she was fantastic in their chemistry. Mm. Yeah. Beautiful. Chef's kiss. I'll go more into other things I liked, but what do you think of the film? Agreed. I think what I really liked about this, other than the inspiring and aspiring story, is that they really pressed accountability. It's like, we're so quick to blame the government. We're so quick to like tell others to fix our problems for us, but we are a huge part of the problem. We need to change it from the bottom up, you know, on every level. So I think that's so powerful for every single era, for every single situation. It's like, okay, what's my part in this? And how can we solve the problem? And I love that Bhumi or Jaya didn't back down. Not once. She had so many chances. You could see it that she wanted to give in and be like, I miss you. I love you. You know, like, can I just like take it, you know? And I can't, because now it's bigger than us. And that's so inspiring to me. I'm mind blown. We all hope to be like this if the time ever comes. And to your incredible point, she had the most amazing husband ever. And it's one in a billion that you're going to find a man as great as Keshav was, actually Kumar's character. And because of what you just said, like, this is a bigger thing. Like, this is a very basic necessity for all women, that it's bigger than us. Mm-hmm. And I'm willing to give up our love to make sure that no one has to go through this. I mean, you can tell how much it was hurting, and she wanted to get back with him. But again, because the message and the cause is so much bigger than us, like, we might have to sacrifice our incredible love for each other for this. And how powerful is that message of, like, no one knows the pain until you're wounded yourself? Or I, like, paraphrase that, but it's the same thing. It's like, no one's going to know your plight until they go through it. Mm-hmm. So we should constantly be placing ourselves in others' shoes so we can make sure that everyone's taken care of, and toilets are our basic necessities. Yeah. I love too when the chief minister is like, okay, if we're going to get this done immediately, let's lock up all the toilets and all these government agencies and see. This is going to make you guys quickly change your tune to make this happen immediately, because now you're going to understand what these people have to go through. I also thought too, because I was kind of wondering in my own head, like, what is going to bring about the change in the dad? Yeah. And obviously having it happen at home with his mother, and then like, you have no choice. You have to have this happen. Yeah. Like, now he's seen the light, and I thought that was the appropriate way to have it done. Yeah. And I'm just finally glad that he came around and saw that. Okay. I guess you're right. Yeah, for sure. But very inspiring film. And I thought Akshay Kumar was perfect. I thought Bhumi was great as well. And I really like Naru. Yeah, the brother. He was fantastic. Yeah, I love that he was so close with his brother, always on his side, never once. I mean, in all, like, when everyone was getting on him in terms of the village turning on him, he easily could. I mean, it's his brother, you know, but he could have, like, gone with, you know, peer pressure. Yeah, I mean, and like, gone with the crowd, like, cave in. Stop with this. Like, this is what we've been doing our whole lives. It's our religion. Mm-hmm. Like, no, he stood by him. It's his brother. He loves him. And I appreciate that he stood by him. Mm-hmm. Hope for
later generations. Yeah. We hope you guys had a great time too. Should we watch I saw Padman, but I think you guys should give the recommendation for Vivian and whoever else on the channel has not seen Padman. Right, because I remember seeing the stories online and thinking like, oh, there's hope for the world. Yeah. Basic necessities, yeah. The whole film is great, but there's a specific scene in that film too where Akshay Kumar just takes his acting to another level. That too, that scene where he was just telling everyone off after they destroyed the toilet at his house. That was so rough. His acting in the whole film is good, but yes, that specific scene. That was it. Oh, God. He always drops one on us, and aren't we glad for it? He's such a damn good actor. Yes, he really is. We love him. Thank you guys for hanging out with us so much. That was so much fun. Come back for the next one, all right? And we hope you guys use the bathroom in between if you had to. Wash your hands. Wash your hands, you know, too. Lock the doors in the bathroom. Lock the doors. Very important. Sing a tune. I'm Vivian Day. I'm Andrew Flash Gordon. See you later.